नमस्ते फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत लंबे समय के लिए चलने वाली आम की खट्टी मीठी की रेसिपी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने कच्चे आम ले लिए हैं। तो इसी तरह के आम मैंने पहले से ही छिलकर रखे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। अब इन आम को पानी से निकालकर अच्छी तरह कपड़ा से पोंछ लेंगे। तो मैंने आम को पोंछ लिए हैं कपड़े से और इस तरह से काट लेंगे। हम छोटे छोटे पीस में काटेंगे। ये आम का गुठली अभी कोमल है इसलिए हम आसानी से काट सकते हैं। तो इस तरह से छोटे छोटे पीस में काट लेते हैं सारे आमों को। तो अब सारे आमों को काटकर तैयार करके रख लिए हैं एक बॉल में। अब चलिए इन्हें पकाते हैं। तो गैस पर एक पैन रख लिए हैं और इसमें तेल डालते हैं। ये मैंने सरसों का तेल लिए हैं 3 चम्मच और तेल को गर्म होने देते हैं। तो अब तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें डालते हैं लाल मिर्च। मैंने 3 लाल मिर्च लिए हैं, आप बढ़ा घटा भी सकते हैं, और 2 तेज पत्ता। और इसी वक्त 1 चम्मच मेथी का दाना डालेंगे इसमें। और इन्हें जब तक हम पकाएंगे तब तक कि ये मेथी का दाना ब्लैक कलर का ना हो जाए। तो पकने देते हैं मेथी को दाना को। तो अब ये मेथी का दाना पक चुका है, अब इसमें डाल लेते हैं ये आम के पीसे और डालकर एक दोबारा इस तरह से चला लेते हैं। और इसमें 1 चम्मच नमक डाले हैं। अब इन्हें थोड़ी देर के लिए ढक लेते हैं ताकि ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। तो अब ये थोड़ा सॉफ्ट हो चुके हैं, इन्हें पैचुला से एक बार चला लेते हैं। अब इसमें डालते हैं 1 चम्मच चिली फ्लेक्स और 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि तीखी ही अच्छी लगती है ये खट्टी मीठी, लेकिन आप अपने टेस्ट के अनुसार से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं ये मसाले। अब इनमें डालते हैं चीनी और थोड़ा सा गुड़ मैंने लिए हैं। ये चीनी 150 ग्राम है। आप सिर्फ चीनी ले रहे हैं तो 200-250 ग्राम डालिए। और इन्हें चला लेते हैं अच्छी तरह से एक बार। चीनी को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने स्वाद के अनुसार, अथवा आम जब पका हुआ थोड़ा लें तो कम लगता है चीनी। ये बहुत ही कच्चा आम था इसलिए मैं इतना डाले हैं। और आम मैंने 700 ग्राम लिए थे। तो अब इन्हें चलाते हुए पका लेते हैं थोड़ी देर। तो इन्हें चलाते हुए चीनी घुलने तक पका लिए हैं। इस खट्टी मीठी में अब पानी बिल्कुल मत डालिएगा, नहीं तो लंबे समय के लिए नहीं चलेंगे। सिर्फ हमें चाशनी में पकानी है, चीनी की चाशनी में। तो देखिए करीब ये पक चुकी है। थोड़ी देर इन्हें ढककर और पका लेते हैं, जस्ट 1-2 मिनट पकाएंगे। तो अब ये खट्टी मीठी हमारी पककर तैयार है, देखिए कितनी अच्छी बनी है। और ये आम बहुत ही कच्चा था इसीलिए जल्दी से गल गया है। और आगे जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ वो थोड़ा पका हुआ आम से मैं बनाऊंगी। तो आप ये वीडियो एंड तक देखिएगा। और एक खट्टी मीठी को निकाल लेते हैं एक बाउल में। तो अब ये खट्टी मीठी आप देखिए, पहले की ही तरह मैंने सारे चीज़ें डालकर बनाए हैं। सिर्फ आम मैंने थोड़ा बड़ा साइज के लिए हैं, जो कोसा होता है जिस समय पकने लगता है आम, उस समय के आम लिए हैं। तो इस तरह का कलर आया है आम में और इस तरह का पीस भी आते हैं, बहुत जल्दी नहीं गलते हैं। इस तरह का आम मैंने लिए हैं, इसमें कोसा आ जाता है, काटने में थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन इस समय का खट्टी मीठी बहुत ही अच्छी होती है। देखिए इस तरह का थोड़ा पका पका आता है आम, उस समय बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी खट्टी मीठी बनती है। आप देख सकते हैं इसका सीड कितना हार्ड हो गया है। तो इसी तरह का आम को बनाएंगे तो अच्छी खट्टी मीठी बनेगी और भी। और इसमें मैंने डाले हैं 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे कलर और भी अच्छा आया है खिल के। तो आपके पास है तो ज़रूर डालिएगा, मैं पहले वाले में नहीं डाले थे। तो इन्हें भी ठंडा होने देते हैं तो सर्व करेंगे। तो देखिए ये ठंडा हो गया है और देखिए इसका टेक्सचर भी और कलर भी कितना अच्छा आया है। तो निकाल लेते हैं बॉल में। तो आप इस तरह से खट्टी मीठी बनाकर साल भर के लिए स्टोर कर सकते हैं, बाहर करें या फ्रिज में रखें, ये दोनों जगह अच्छे से चल जाएंगे साल भर के लिए। और इतना टेस्टी लगती है ये खाने में कि आप ज़्यादा मात्रा में बनाएंगे तभी ये साल भर रह पाएंगे।
आप इन्हें किसी भी डिश के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है सभी चीजें के साथ। तो आप इन्हें बनाइए और अपना अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए रेसिपी के।